देख लिया? मत सुकून हो गया, आज नई गाड़ी में नहीं बैठी। क्या क्या हुआ? इसकी शादी को 4 साल हो गए, इसका पति से बुलाता ही नहीं। बेटी खबरदार, उस कल मोई के पास गई तो। हाँ, ये हमारी गंगा मक्षी की बेटी है। हाँ माँ, तो क्या हुआ? अरे जिस औरत को उसका शोर नहीं बुलाता, उसका साया छूना भी पाप है। चलो चुप रहो, नहीं बुलाते तो मेरे पति मुझे नहीं बुलाते, ससुराल नहीं जाती तो अपनी मर्जी से नहीं जाती। तुम पढ़ी लिखी औरतें होकर एक औरत की कीमत नहीं समझ सकती। क्या अकेली औरत कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकती। जमाने में तो क्या, हर जमाने में मर्द के बगैर औरत एक अधूरी कहानी रही है। 3 तलाक लेने के बाद अब ये बात मैं समझ सकी हूँ। तुम्हारी बेटी नीरू को लेने के लिए तुम्हारे दामाद यहाँ नहीं आते तो तुम इसके ससुराल चली जाओ और अपने दामाद को ले आऊ। ठीक है, मैं आज ही शाम को चली जाऊंगी धन विलास की ओर। चिल्लाने की क्या जरूरत है? महाराज अभी अभी तुम्हारे से उठ बैठे हैं। एक खुशखबरी सुनोगे? वो क्या? महाराज हमारे यहाँ 1 महीना और ठहरेंगे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। नहीं तो क्या? और महाराज सिनेमा भी देखने पधारेंगे? हाँ, उन्हें धार्मिक सिनेमा बहुत पसंद है, पूछ लेती हूँ। हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। मोहन बाबू जी सिनेमा के लिए मुझे माफी कर दीजिए। और आपके बड़े भाई साहब कहाँ हैं? बाबू जी मनोहर भैया से ऑफिस में मैं सिर्फ रोजगारी की बात करता हूँ। सुन लिया आपने? सब सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। अरे अभागे, दो भाई साथ साथ बाप का ऑफिस चलाए और एक दूसरे से बात तक न करे। ये भी हमारी खुशकिस्मती। बस हंसते रहो इसी तरह हर रोज हर बात पर। जय सच्चिदानंद। देखा, गुरुदेव भी साख दे रहे हैं। हाँ गुरुदेव तुम्हारी साख न देंगे तो क्या मेरी साख देंगे? मैंने कितना समझाया, इससे नास्तिक न बनो। हमारे पास जो कुछ है सब गुरुदेव की कृपा से है। बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी? और क्या होगा, जो ससुराल में होता है वही हुआ होगा। छुपी रही है ना? मैं जहर खाने के बाद ससुराल नहीं जाऊंगी। मत जाओ मेरी जान। चलो ये भी अच्छा हुआ, हर हफ्ते आने जाने की तकलीफ ही दूर हो गई। आती हूँ तो अपने बाप के घर आती हूँ, जब तुम्हारा घर होगा तब बताने देना। बहन मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, फिर आने की बात ही कह रहे। अरे वो फट, बहन पे कुछ तो तरस खा। जय सच्चिदानंद। जा गुरुदेव के चरण रख लिया जा। अच्छा माँ। ओ क्या हुआ? आइए 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 बंदा जी आइए। नमस्ते 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 सर जी। नमस्ते सर जी।
अचानक आ गई, अगर मालूम होता तो स्टेशन पर आ जाते हम। कोई बात नहीं। नमस्ते गंगा देवी। नमस्ते मोहनलाल जी। नमस्ते जी। शादी कब कर रहे हो जी? ना शादी, बात ऐसी साहब की शादी करने से कोई फायदा नजर नहीं आता, और शादी ना करने से जरा भी नुकसान नहीं है। अभी इसका बचपना नहीं है। नमस्ते जी। आइए। नमस्ते गंगा देवी। जीती रहो बेटी, हमारे बाबूलाल को कहते हैं। मुझे माफ कीजिए, ड्रामे का ग्रैंड रिहर्सल आज। नमस्ते जी। वो शरणार्थियों की इमदाद के वास्ते ड्रामा हो रहा है। अच्छी बात जी। हाँ आइए आइए। नमस्ते माता जी। जीते रहो बेटा। बेटा गंगा देवी जी, कारोबार के सिलसिले में मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन ऑफिस का काम मोहन संभाल लेगा। संबंधी कह रही थी। माफ कीजिएगा, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है अभी। इसी बात। अरे सुनो तो, मैं आज ही इन्हें लेकर वापस जाना चाहती हूँ। हाँ, शौक से शौक से। दामाद आपका है, मैं हाजिर हूँ। मेरे लायक हो सिंधु? भला बातों में आपको कौन जीत सकता है। बड़ी खुशी की बात है कि तुमने सेठजी का सारा कारोबार संभाल लिया। ज्यादा मेहनत से पिताजी थक चुके थे, उन्हें आराम की जरूरत थी। अब मुझे कब आराम दोगे बेटा? आप? मैं तुम्हें लिवाने आई हूँ, चलकर अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लो। अब मेरे कमजोर दिल का कोई भरोसा नहीं। मैं जानता हूँ आपका दिल कमजोर है। तो फिर आज ही शाम को चले चले। आज शाम को? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो फिर? कल भी मुमकिन नहीं। तो? अगले हफ्ते में भी नहीं, अगले महीने में भी नहीं, अगले साल भी नहीं। मैं तलाक चाहता हूँ। तलाक? हीरू जल्दी चलो, माता जी बीमार हो गई। माँ, माँ, तुम्हें जोड़ों का दौरा हुआ है। डॉक्टर को बुला, दिल बहुत तेजी से दर्द रहा है। एड्स की पुरानी आदत है। जब से तेरे पिताजी स्वर्गवासी हुए तब से इसी तरह धड़कता रहा, टूटता रहा। आखिरी बार धड़क लेने दे इसे। माँ रोती है पगली, तू मेरी बेटी है। तेरे पिता के मुझे संस्कार तुझमें निष्ठा है, तुझमें जोश है। वचन देती हूँ तू मेरे दामाद से कभी झगड़ा नहीं करेगी, नहीं करोगी। जब भी तू उनसे विदा ले उनके चरणों में बैठकर कहना, अनजाने में मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो माफ कर देना। वचन दे। तेरे चरणों की सौगंध माँ। ऐसा ही होगा। और कोई इच्छा माँ? बस एक हसरत रह गई, मेरे दामाद एक बार आकर तुझे यहाँ से ले जाते। माँ मैं तेरी बेटी हूँ, मैं वादा करती हूँ कि यहाँ आके मुझे ले जाने के लिए मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, जो तू कहती है वो कर दिखाती है। दुनिया में हमेशा औरत की ही जीत होती है अगर वो नेक दिल रहे। आइए बाबूलाल जी, आइए आइए बाबूलाल जी। कहाँ है शांता? अरे कहाँ गई शांता? शांता यही तो मैं पूछ रहा हूँ। बैठे नहीं बैठूंगा। अरे मैंने तो कल ही कहना बैठा था कि आप कुछ दिन यहाँ आके ठहरिए। यहाँ क्यों आके ठहरूँ? क्या हमारे पास बंगले नहीं है? चाय मंगाओ। क्या हमारे पास मोटरे नहीं है? क्या हमारे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है? अरे लेकिन ये घर भी तो आप ही का है। ये घर मेरा है, ये मेरी ससुराल है। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो फिर मैं मर्द नहीं कुत्ता कहलाऊंगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आंखें खोलिए तो क्या वो उस लंगोटी दास के पास जाती है? शांता अच्छा सुनिए ना। शांता माँ, मैं किसी से कुछ भी बात नहीं करना चाहती। देखा सुना, क्या मुंह तोड़ जवाब देती है? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। माँ तुमने मेरी शादी इनसे नहीं इनके सारे पिंड से कर दी है। सुबह उठते सासू जी के साथ मंदिर जाओ, शाम को बाबू जी को रामायण सुना, रात को पुप्पी जी को मलहार समझाओ। अच्छा होता कि मैं जाहिल होती। जय सच्चिदानंद। आंखें खोलिए, इन्हें
रामायण नहीं नंगे नावल पढ़ना पसंद है। राम 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 बीमार, ये लोग हजार बरस में भी नहीं सुधरेंगे। तो क्या हम जाएंगे? और नहीं तो क्या, सिनेमा जा, तो इनको नींद आ जाती है। नाटक देखने जा तो दोस्तों के साथ रोजगार की बातें करने लगते हैं। घबराता है कुछ। और माँ, जब मैं कहती हूँ मसूरी शिमला अकेले चलो, तो कहते मेरे माता पिता भी साथ आएंगे। तो क्या माँ बाप का गला घोट दूँ? तो क्या मेरा गला घोट दूँ? बस पहले तो तेरा जुलूम गला घोट दूँ। आगे खोलो माँ, आगे खोलो माँ। ना इन लोगों को खाने का शौक है, ना पीने की तमीज माँ, ना ही संगीत की समझ और ना किताबों से ख्याल। और माँ, ये लोग पतलून तक नहीं पहनते, कहते पेट से चिपका नहीं। तुम्हारा क्या मतलब कि मेरा पूरा खानदान पागल खाना है, घटाया खाना है? माँ, मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, पर इंडिया नहीं जाऊंगी। तुम्हारा ये कहने का तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? चली गई पानी की बाढ़ की तरह चली गई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कप चाय मंगाइए। क्या सोच रही थी बता दू? मैंने कहा, पिताजी कह रहे थे आज के सौदे में तुमने 2 लाख का मुनाफा किया। जब से मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, रुपए ढेरों से चले आ रहे हैं। पिताजी तुम्हें चाहने लगे हैं। जब उनकी बेटी मुझे चाहती है तो रात का बजट संगीत सुनाई दे रहा है। रात हो या दिन, जब भी तुम्हें देखता हूँ वही मधुर संगीत सुनाई देता है। पर मैं अपने प्रेमी के साथ सारी दुनिया से चैन लूटना और एक है समझती मानता हूँ। अरे ये ऊँची तो मैंने एक पुस्तक बड़ी दुकान पर देखी थी। जिस चीज पर तुम्हारी नजर हो वो तुम्हारी हो ही जानी चाहिए। तुम जानती हो मैंने बस तलाक ले लूँ इतनी देर है, फिर तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तुम इसी को भी पसंद नहीं करोगे? इस जिंदगी में नहीं, मैं उसका मुंह तक देखना नहीं चाहता। कभी हेलो मम्मी, मुझे हो गई। सॉरी मम्मी। इतनी रात में कहा थी तू माँ, मुझे हम बेवकूफ का ड्रामा में एक्टिंग का इनाम मिला है। आज मैं बहुत दिनों बाद इतनी खुश हूँ। जब तक शेखर के साथ आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। रियली ग्रेट। अच्छा नमस्ते, गुड नाइट। माँ, अगर तुम भी ड्रामा देखने आती तो कितना अच्छा होता। लेकिन तुम्हें महाराज की सेवा से पूछ सकता हूँ? खबरदार, उन्हीं की कृपा से हरा भरा है। इतनी रात हुई लेकिन अभी तक नाटक खेला करते, कुछ क्षण भरा रहेगा नहीं। ओ मम्मी, इस घर के किस कोने में अच्छा नजर आती है। माँ, तुझे पूजा करने में शर्म आती है? नहीं। शांता को हमें बेवकूफ में पार्ट करते शर्म आती है? बिल्कुल नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है। बेशर्म। मोहन की माँ, इससे ज्यादा बात मत करो। नहीं माँ, जरूर बोल, इसमें शर्म की क्या बात है। मोहन, मिस्टर मनोहर लाल, ऑफिस के अलावा मैं आपसे किसी चीज पर नसीहत सुनना नहीं चाहता। मनोहर, बहू आ गई, नीरू भाभी आ गई। हाँ। घर में शर्म आ गई। बिचारी शर्म। बेमौत मारे जाएगी। अरे दुष्ट भागे, मोहन भैया अपने कमरे में जाओ। मनोहर, गंगा देवी के स्वर्गवासी होने पर भी तुम वहां नहीं गए, जाओ उसे समझाओ। वो यहाँ आई ही क्यों? क्यों नहीं आती? जाओ ऊपर जाओ, जाओ। तुम्हारी माँ
माताजी के स्वर्गवासी हो जाने का मुझे अफसोस है। उन दिनों मैं कलकत्ते चला गया था, इसलिए मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं। माताजी ने सब कुछ तुम्हें बता ही दिया होगा। सब कुछ। मैं रुकिए नहीं, एक बात हम दोनों को साफ साफ समझ लेनी चाहिए। कहिए। तुम ग्रेजुएट हो और आप एमए हैं। मैं तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, इसलिए सलाह चाहता हूं। मैं समझती हूँ। समझती होती तो यहाँ आने की जरूरत न होती। इसलिए तो मुझे यहाँ आने की खास जरूरत हुई। तुम्हारा मतलब क्या है, साफ साफ कहो। शादी के बाद हम दो दिन भी साथ नहीं रहे, न मैं कानी हूँ न लूली, न अपाहिज न आवारा। किस बहाने आप हिंदुस्तानी अदालत में मुझसे तलाक ले सकेंगे? देखता हूँ तुम ग्रेजुएट ही नहीं वकील भी हो। जी नहीं, वकील की बेटी हूँ। मैं कुछ दिन यही रहूंगी, इस दरमियान आपको तलाक के कुछ बहाने आसानी से मिल जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, तुम यहाँ 3 महीने ज्यादा नहीं रह सकती। काफी है। क्या झगड़े की ठान ली है? पति पत्नी में झगड़ा तो होना ही चाहिए। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। शादी के बाद भी मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। इस कमरे के बाहर हम पति पत्नी का नाटक करते रहेंगे और इस कमरे में आने के बाद हमारा कोई संबंध नहीं होगा। मंजूर है। तुम मेरे प्राइवेट मामलों में दखल दोगी, दखलंदाजी नहीं करोगी, और तुम्हारे प्राइवेट मामलों में आप दखल दे सकते हैं। हमारे घर में कोई जानने न पाए। हम 3 महीने के बाद तलाक लेने वाले हैं, यही ना? आप बेफिक्र रहिए। बड़े निश्चय के साथ बोल रही हो। मैं कोई भी काम करने से पहले निश्चय कर लेती हूँ और निश्चय कर लेने के बाद उसे पूरा करती हूँ। आपने क्या निश्चय किया है? मेरे रहन सहन से आपको मालूम हो जाएगा। जरा ठहरिए तो। क्यों? आपके होंठ पे लिपस्टिक लगी हुई है, कहीं पिताजी ने देख तो नहीं लिया? एक बात तुम्हें भूल ही गई। क्या करो? इस कमरे के बाहर जब मैं पत्नी की हैसियत से बर्ताव करूं तो आप भी पति की एक्टिंग ठीक कीजिएगा, यानी कि वही दिखावा। बहुत अच्छा। और कोई हो? जी हाँ, अब आप आराम से सो जाइए। पढ़े लिखी होकर मेरे पैरों पड़ती हो? मैं तो अपने स्वामी के पैर पड़े हूँ। बहुत बड़े खानदान की और मैं ठहरा एक छोटे खानदान का। वक्त आने पर बड़े से बड़ा आदमी छोटे से छोटे आदमी के सामने झुक जाता है। बात तो तुम्हें अब भी अपने खानदान का घमंड है? आप शायद गलत समझ बैठे हैं, मैं घमंडी नहीं स्वाभिमानी हूँ। मगर मैं बड़े लोगों की दया नहीं, छोटे लोगों की मोहब्बत चाहता हूँ। मेरे पिताजी भी यही कहा करते थे। तुम्हारे पिताजी हमारे खानदान को नीचा समझते थे। मगर मेरी माँ हमेशा आपके खानदान को इज्जत की नजर से देखती आई है। तो तुमने अपनी माताजी को खुश करने के लिए मुझसे शादी की है? तो क्या मैं ये कहूँ कि आपने अपने पिताजी को खुश करने के लिए मुझसे शादी की? शादी से पहले तो आपने कभी ऐसी बातें नहीं की। मैं आप क्या चाहते हैं? मैं मोहब्बत चाहता हूँ, घमंड नहीं। मैंने फिर से इनकार नहीं किया। मैं उस स्त्री के साथ नहीं रह सकता जो आते ही मेरे दिमाग पर हावी हो जाए। मुझे वो पत्नी चाहिए जो मेरे दिल को छू सके। शादी की पहली बार आप मुझे इस तरह ठुकरा के नहीं जा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध? एक ग्रेजुएट लड़की से मैंने धर्म और माताजी के नाम पर शादी करने की उम्मीद नहीं की थी। मैं आपको इस तरह नहीं जाने। मुझे अपने घर में रोकने वाली तुम होती कौन हो? आपकी धर्मपत्नी। मुझे ऐसी धर्मपत्नी नहीं चाहिए। तुम पहले ऐसा नहीं है, चली जाओ। Thank you.
पाए नाथ के राधक परगत हो जो मुकुट बोले बहू जी ये फल ले आया हूँ 10 रुपए तीनों ने। और ये सब्जी 7 रुपए कहाँ लेके? तुम लोग बहुत पैसा खर्च करते हो, 7 साल हो गए फिर भी तुम्हें काम करना नहीं आया। बहू जी ये सामान 20 रुपए से कम में अगर एक कौड़ी कम में भी ला दे तो अपने मुँह से मुड़वा दूँ। बहू जी मुझे तो सारा सब्जी बाजार कंजूस और मक्खी चुस्त कहता है और कहता है ये चुड़े 10 रुपए का माल 7 रुपए में ले जाती है। जी बता दो ये सब हम कितने में लाए? कुल 12 रुपये में बहू जी। यहाँ यानी तुम लोग रोज के 10 रुपए ज्यादा खर्च करते हो, आइंदा ऐसा न हो। ये सिगरेट किसके लिए लाई गई? मोटे मिसर जी करता, कल से मत लाना। कल से मत लाना बहू जी, ये सिगरेट रोज मेरे लिए आती है। मिसर जी रोज 5 आने की सिगरेट यानी महीने के 10 रुपए में 10 आने कम, ये शौक आप अपनी तनख्वाह में से पूरा कर सकते हैं। अगर ये बात है भौजी तो माफ कीजिए, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, दे दीजिए मेरी तनख्वाह। ये लीजिए 2 महीने की तनख्वाह, मुझे मालूम था आप तनख्वाह मांगेंगे, जाइए सुधारिए। देखिए ये तरकारियां कौन तैयार करेगा जी? हाँ जी तुम उसकी फिक्र मत करो, दाल जल रही है। टीचर भौजी यहाँ देख रहे हो, जाओ अपना काम करो। शिवचरण बहू जी तुम्हारे बड़े बाबू को क्या पसंद है? मनोहर बाबू को हलवा और नींबू का अचार। उन्हें और क्या क्या पसंद है? हमारे बड़े बाबू वक्त के सख्त पाबंद है, ठीक 6 बजे चाय चाहिए, 7 बजे हर एक दिन का अलग अलग सूप तैयार चाहिए, घर में आते ही स्लीपर और जाते वक्त ऑफिस में ले जाने का बस्ता सामने चाहिए, अगर कहीं जरा भी गलती हो गई तो जोर से चिल्लाते हैं शिवचरण। बहुत ही गुस्से मालूम होते हैं। राम राम कहो बहू जी, सिर्फ जबान ही जबान पर, दिल में कुछ नहीं। इस खानदान की सबसे बड़ी बात यही है कि हर एक का दिल साफ है। और इस खानदान की सबसे छोटी बात क्या है? सब आजाद है। शिवचरण तुम्हारे बड़े बाबू का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? वो बहू, अरे कहाँ गई? अरे वो पूजा का थाल, गुरुदेव के लिए गुलाब, फूलों का हार, चंदन, कपूर, केसर सब तैयार है। और आरती? हाँ आरती भी है। सेठ जी के लिए दवाई भेज दे। हाँ मालती, और नाश्ता भी, ये देखिए पहले सेठ जी कभी नाश्ता नहीं करते थे, लेकिन बहू जी के जोर देने पर वो भी हार मान गए। ये सब गुरुदेव की कृपा है शिवचरण। 2 दिन से आराम से पूजा कर रही हो मालती? हाँ शिवचरण, बहू जी ने आपकी सारी जिम्मेदारियाँ संभाल ली। इसीलिए तो कह रही हूँ शिवचरण, सब गुरुदेव की कृपा। माता जी पंचामृत सौभाग्य से रहो। आइए गुरुदेव, बहू चलो आरती के लिए चलो। गुरु जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कल्याण हो, कल्याण हो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहू हमेशा गुरुदेव की चरण रज ले लिया करो, उन्हीं के कृपा से तो ये घर हरा भरा है। माता जी ब्रह्मचारी साधु तो स्त्रियों को नहीं छुआ करते। ओहो मैया, गुरु जी आज भोजन नहीं करेंगे। अच्छा सो समाधि लेने की पहले फलाहार का प्रबंध हो जाए। जैसी गुरुदेव की। माता जी गुरुदेव क्या प्रसाद देंगे? अरे कुछ भी नहीं, वही अपना 5 सेर बर्फी, 2 सेर मिठाई, 3 सेर हलवा, 7 सेर दूध, हाँ और 2-3 दर्जन केले, बस इतना ही। बस
बड़े चमत्कारी है। ये तो साफ दिखाई पड़ता है। जय सच्चिदानंद। शिवचरण जी, बहू जी। शिवचरण जी, महाराज की और कोई खास जरूरत? हरी 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 हरी। आप ये क्या कह रही हैं? हम साधुओं को भला आदत कैसी? अभी अभी ये चिलम कोई दरवाजे के पास फेंक गया था। सच है। ये दवा है, दवा। आज सवेरे ही मैंने इसमें अफीम रखी थी माता जी के पैर के लिए, और फिर गुरु जी के तलवे मरने के लिए भी हमें मिल गई थी। वरना हमारे भयानंद को कोई आदत नहीं और हमारे निजानंद को भी कोई आदत नहीं। मैं समझती हूँ। भयानंद, ये औरत बड़ी अधर्मी मालूम होती है। यदि गुरु महाराज को हमारी आदतों का पता चल जाएगा तो भूखों मर जाएंगे। ये मनहूस हमें घर से निकाल कर ही छोड़ेगी। कुछ सोचना चाहिए। सोचो। मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। क्या कर रही हो? एक गधे को महागधा बना रही हूँ। बहुत आनंद आता है। मत को गधा बनाने में ही तो आनंद आता है। होशियार रहना नंदी, ऐसे ही गधे उंगली पाकर हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ आते ही कंधा थाम लेते हैं, और कंधा थामते ही रुक क्यों गई? मुंह लग जाते हैं, यही ना? ऐसे को गधा नहीं भूखा शेर कहना चाहिए। शेर? कुत्ते को भाभी, कुत्ते। कुछ देर तुम हिलाएंगे, भौंकेंगे, पैर चाटेंगे, फिर भाग जाएंगे। ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं। तुम किस जमाने में रहती हो भाभी? दुनिया मिनट से मिनट आगे बढ़ती जा रही है। पीछे हटती जा रही है शांता। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और लेके ही जाऊंगा। आप है कहाँ? अब तो हिंदुस्तान से भी गुलामी हट गई है। हिंदुस्तान से भी गुलामी हट गई? तुम कहना क्या चाहती हो? ये क्या, आपको औरत नहीं गुलाम चाहिए? भाभी भाभी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। भाभी भाभी, ये देखो उस कमीने के साथ अपनी जिंदगी का मजा देखना चाहती है। आप हंस रही है भाभी। आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। मुझे कमजोरी है? क्या कमजोरी है भाभी? आप मेरी नंदी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप भी मजाक कर रहे हैं भाभी, मेरी बीवी है, मैं कैसे प्यार नहीं करूंगा? नंदोई महाराज, सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होता, अगर उसे पाना हो तो आपको भी साथ साथ उड़ना होगा। शिवचरण, मेरा तालिया। शिवचरण शिवचरण, मेरे शंभू की वो शिवचरण, मुझे नाश्ता है ऊपर ही। शिवचरण, मेरा ताला सुन। शायद रानी साहब का हुक्म होगा मेरे पास न आने का। शिवचरण, मेरा शायद मैं आपसे कह चुका हूं, इस कमरे में मैं पति पत्नी के ढंग से बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैंने पत्नी की हैसियत से नहीं, शिवचरण बनकर ये सब काम किया है। शिवचरण मुझे पान नहीं देता। बूढ़ा हो गया है ना, इसलिए याद नहीं रहता। लीजिए। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा? इस सूट पर कोई पागल भी पान नहीं खाएगा। जी नहीं। तो आपकी भाभी ठीक है? जी हाँ। और कुछ पूछेगा मेरी भाभी के बारे में? वो खूबसूरत है, खतरनाक है और गंवार है। गंवार? जी हाँ। अगर गंवार नहीं होती तो हमारे घर के कैडर। आपके भाई साहब अभी तक जी वक्त के सख्त पाबंद। 11 बजे दरवाजा खुला। वाह, तुम आ गई। हम भी वक्त के कुछ पाबंद हैं। हेलो, 1 मिनट प्लीज। यस जी हाँ, वो कह दिया सर, 130 पेटी ले लीजिए। हेलो, हाँ जी, नहीं बेच डालिए। क्या?
क्या इरादे हैं? अजी इरादे को मारो गोली, तुम तो आ रहे हो ना। सिंधी सेठ जी मैं खुद ही आ जाऊंगा। जी हाँ आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। अरे सुंदर की तो ऐसी तैसी, वो सोने का क्या हुआ? सेठ जी आप बनारस नहीं गए जी? कल ही चले जाइए ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप बेफिक्र हैं। जी हाँ सुना है आपकी बीवी साहब आई है। हाँ जी नहीं, मैंने तुमसे जानबूझकर नहीं कहा। क्यों जानबूझकर नहीं कहा? मैंने कहा ना ले लो। सुना है वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, वो अपनी मर्जी से आई है और मेरी मर्जी से चली जाएगी। उसने कहा है? उसने कबूल किया है। मैं आखिरी बार कहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जो तू मेरे दिल के साथ दिल लगी कर रही है, ऐ जालिम, तू नहीं जानती, तू नहीं जानती कि मैं तेरे लिए क्या नहीं बन सकता। कहे जी बेवकूफ जी, मर तू जी। अरे रे, ये क्या तमाशा बना रखा है, घर की बहू की ऐसी नंगी तस्वीर, डूब मर चुल्लू भर पानी में। पिताजी बेशरम, पिताजी बेवकूफ, पिताजी गधा। हाँ हाँ गधा हूँ, काट का उल्लू हूँ, मगर इंसान बनना चाहता हूँ पिताजी, इंसान। काम धंधा छोड़ के यहाँ इंसान बन रहे हो? पिताजी औरत सलामत है तो धंधे हजार। बिल्कुल धंधा सलामत तो औरतें हजार। तेरा बाप तेरी माँ का गुलाम कभी नहीं रहा और मेरा बाप मेरी माँ का गुलाम कभी नहीं रहा। आजकल का छोकरा अपने होने वाले बच्चे की माँ का गुलाम बनना चाहता है। ओह मुझे आज मालूम हुआ कि मैं इतना समझदार होते हुए भी क्यों गधा हूँ। राइट पिताजी राइट, ये खानदानी असर है, मैं इस खानदानी असर को बदल देना चाहता हूँ। अरे 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 तू ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं पिताजी, पुरानी बोतल में नई शराब डाल रहा हूँ। अरे अरे ये तो क्या बक रहा है? मेरे पूज्य पिताजी, हिंदुस्तान की आजादी के बाद मैं इस खानदानी बंधनों को तोड़ फोड़ कर फेंक देना चाहता हूँ। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं पिताजी, घबराइए नहीं, मैं पुराने जमाने को छोड़कर नए जमाने में आ गया हूँ। क्या नया जमाना इतना नंगा है? खबरदार क्या सर फिर गया तुम्हारा? मैं कहता हूँ आगे बढ़ती है या नहीं? क्या करोगे? बाबूलाल जी क्या पागल हो गए आप? रुक जाओ, दो कदम पीछे। क्या सिनेमा देख कर आए हो? चुप। क्या तुम सच में गोली चलाएंगे? गोली चलाने के लिए ही होती है। ये राक्षस मुझे मार डालेगा। मैं राक्षस नहीं हूँ, महाराक्षस हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे खोलिए, मैं उस लंगोटीदान महाराज को भी मार डालूंगा। राम जवाईराज, जवाईराज जवाईराज मैं कुछ नहीं समझता, वही रुक जाओ भाभी। माँ ये कोई शैतान गुंडा बोल रहा है। खबरदार, जो माँ के पास गई तो क्या उड़ा दोगे? जान से हम जा रहे हैं बेटी, तेरा कल्याण हो। गुरुदेव बचाइए, रुक जाएंगे, वर्षा के दिनों में फिर आ जाएंगे। कल्याण हो, कल्याण साहब आगे बढ़ो, तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। आगे बढ़ो। मुर्दे को उठा कर ले जा सकते हो, जिंदा मैं कभी नहीं जाऊंगी। चलाइए चलाइए ना गोली, रुक क्यों गए आप? बड़े आए तीस मार खां बनके। जनाब गोली चलाना आपका काम नहीं, जाइए जाइए जाइए, ब्यूरो का रोजगार संभालिए। नमस्ते भाभी, अब मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी सुनिए तो, बाबूलाल जी सुनिए तो। भाभी दुनिया दूसरों को नसीहत देने के लिए तैयार हो जाती है, अपना चेहरा कभी आईने में नहीं देखती। पहले अपने शौहर पर कब्जा करो। बताऊं पूर्णिमा का पता? मेरी प्यारी नंदी, जी चाहता है कि तुम्हें सीने से लगाकर कुचल डालो, इतनी खुशी का है कि तुमने अभी अभी जो पूर्णिमा का नाम लिया, क्या है पता उसका? पूछ लो ना मनोहर भैया से,
नीरू बेटा जरा ठहरो। क्या काम है पिताजी? बहुत बड़ा काम। मैं अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां तुमको सौंप देना चाहता हूँ। लो ये तिजोरी की चाबी ले लो, चिंता न करो, आज से इस घर का सारा बोझ तुम्हारे। मैं इस लायक नहीं हूँ पिताजी। तो और कौन इस लायक है इस घर में? पिठानी को चाबियां दी, उन्होंने एक महीने के अंदर 1,00,000 रुपया उठा लिया धर्म के नाम पर। मोहन को चाबियां दी, उसने 30,000 रुपया उठा लिया अधर्म के नाम पर। शांता ने 1 घंटे के अंदर 15,000 रुपया उठा लिया कला के नाम पर। मनोहर इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता और अब मैं अपने कहीं इस लायक नहीं समझता। पिताजी आपकी आंखों में आंसू कैसे? मेरी दुनिया ने मुझको हमेशा हंसते ही देखा, ऐसा कोई नहीं जिसके सामने मैं अपने दिल का रोना रो सकूं। पिताजी हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं। कितना खूबसूरत झूठ बोलती है तू, और सब कुछ जानते हुए भी। पिताजी हर आदमी में कोई ना कोई कमजोरी तो होती है। इस घर के हर आदमी में कमजोरी नहीं ऐब है, और मुझ में भी एक ऐब है जो आगे चलकर मालूम हो जाए। अजी सुनते हो, मुझे 1,000 रुपए दे दो, महाराज ने हरिद्वार की गौशाला में दान करने के लिए कहा। 1,000 रुपये फिलहाल काफी है। फिलहाल काफी। तुम कितने समझदार हो गए हो। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मुझे 200 रुपए दीजिए, कालवन की पार्टी में जाना है। बेटी कुछ रुपए हैं? सिर्फ 100 रुपए हैं, काफी है। ये तुमने कैसे जान लिया भाभी? बहन ऐसी पार्टियों में तो मर्द खर्च करते हैं, तुम तो वहाँ जाकर उन लोगों पर मेहरबानी कर रही हो। अच्छा बाबूजी, तो आज से हमें भाभी साहबा की खुशामद करनी पड़ेगी। घर वालों को गुलाम बना दो कि भाभी? गुलाम? भूल हो गई बाबूजी, गरीब। जिसके हाथ में तिजोरी की कुंजी वही धनवान और बाकी सब गरीब। लेकिन भूलना मत भाभी, ये मेरे पिताजी की तिजोरी है। मैं जानती हूँ, आखिर मैं ठहरी पराई बेटी। फिर भी पराए पीछे के हाथों घर की इज्जत सौंपी जाती है और अपनी बेटी को घर से धकेल दिया जाता है ना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। ओ भाभी थैंक यू। देखा बेटा, ये इतना भी नहीं समझती कि हर बेटी पराई होती है। बाबूजी आज आप रोज की तरह शाम को बाहर नहीं जा सकेंगे। क्यों भाई? आज आपकी सालगिरह है। है? मेरी सालगिरह? मैंने तो अपनी सालगिरह कभी नहीं मनाई, हमेशा छोटे मोहन की सालगिरह मनाई जाती है। लेकिन आज से घर के मुखिया की सालगिरह मनाई जाएगी। मगर हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे बाबूजी। आज बाबूजी से हम मुंह मांगा इनाम लेंगे। बहूजी हमें तनख्वाह दे दो, आप हमारी हर बात में दखल देती हैं, घर के हर वसूल को आप तोड़ देती हैं, हमारी हर बात को आप मरोड़ देती हैं। बोल दे। हाँ। अरे आज पहली बार घर के अगवा की सालगिरह मनाई जा रही है और आज ही तुम छुट्टी चाहते हो? इसी वक्त हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना चाहते। शिवचरण मैंने जो तुम्हें रुपये दिए उनमें से 300 रुपये निकाल कर इन्हें दे दो, तनख्वाह और सफर का खर्च। तुम लोग जा सकते हो। अच्छी बात है, लेकिन बहू जी आपको भी आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। किसको? मुझे या तुमको? चले जाओ यहाँ से। चल बे। लक्ष्मी शिवचरण बोला सब यहाँ। अजी जी क्या कहा? क्या कहा मैं बहू जी? बहू जी मैं सारा आदमी की रसोई बना सकती हूँ। मोहन भैया आज तुमने वचन दिया है कि शाम को ठीक भोजन के समय पे आ जाओगे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने वचन कैसे दे दिया। जिंदगी में पहली बार वचन दिया है भैया। भाभी मैं अच्छा आदमी नहीं। सुनिए आज सबसे पहले आपका आना जरूरी है, आना ही पड़ेगा, मेरे लिए नहीं पिताजी के लिए। और कोई हो? पूर्णिमा देवी का फोन आया था, शाम को आपको बुलाया है।
नंदी, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, चलो आओ रसोई घर में। हाँ, रसोई घर में मैं रसोई घर? ओ नो थैंक यू। वो स्त्री क्या जो रसोई घर से दूर भागे? आओ भाभी। स्त्री अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा यानी रोटी खिलाने वाली। चलो आज हम सबको हलवा खिलाएंगे। आओ मुझे बाहर दे भाभी। शांता, शांता देवी। नमस्ते। क्या शांता देवी घर पर? शांता देवी कल्याण गई है, वो स्टेशन पे आपका इंतजार करेगी, उन्हें लेकर ही आप यहाँ आइएगा। देवी जी मैं भी कल्याण जाता हूँ। नमस्ते। गुड डे। संभालो बेटी, वो अपने होश में नहीं है। पिताजी आपने इस घर में कुछ ऐसे कानून बना रखे हैं कि हर वक्त आपके सामने ठीक मांगने खड़ोना पड़ता है। भैया मुझे 500 रुपए चाहिए। पहले खाना खा लो भैया। हट जाओ। 500 रुपए अभी इसी वक्त। मोहन बेटा मान जाओ, बेटा मान जाओ भैया। अपनी भाभी से पूछो। भाभी से पूछो, आज आपके मनोहर बाबू ने 1000 रुपए का हार किसी को भेंट कर दिया। भाभी से पूछो, आप क्लब में 1000 रुपए खर्च देते हैं। भाभी से पूछो, मैं अपनी मौज के लिए भाभी से पूछू और आप अपनी मौज के लिए। पिताजी के सामने बदतमीजी। नीरू भाभी, बस घर में तमीज का ठेका लेकर तू आई है, निकाल रुपए। पहले खाना खा लो फिर रुपए देती हूँ। रुपए देती है या नहीं? पहले खाना। रुपए नहीं भैया। रुपए नहीं भैया। भाभी मोहन भैया, मोहन भैया तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मान जाओ मोहन भैया, मान जाओ। क्या भाभी इनके पर दिल रखो, वो शैतान बन जाता है, जंगल गएगा। शिवचरण बर्फ लाओ। तुम मेरी कसम मोहन भैया, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम जानते हो मैं बहुत जिद्दी हूँ मोहन भैया, मेरा कहना मान जाओ। मत जाओ, मत जाओ मोहन भैया, मत जाओ। तुम्हें मेरी कसम मोहन भैया, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम जानते हो मैं बहुत जिद्दी हूँ मोहन भैया, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ मोहन भैया, मेरा कहना मान जाओ मोहन भैया। मोहन बाबू मेरे से कहा? मोहन बाबू आज तो मेरी सालगिरह है। सालगिरह? मोहन बाबू भाभी खाना दे, भाभी खाना दे, खाना दे भाभी। जी जी मत कहीं लोया करती है, उठो उठो खड़े हो जाओ, खाना खा लो। शिवचरण भाभी आज से जो कुछ भी आप कहें वही मैं किया करूंगा। तो शराब पीना छोड़ दो, यही एक काम मुझसे नहीं सकेगा। तो प्रतिज्ञा करो। शराबी के प्रतिज्ञा पर क्या भरोसा था? अच्छा मैं तुम्हें पीने से नहीं रोकूंगी, मगर एक वचन। वचन देता हूं, मेरे ही हाथ की दी हुई शराब पियो। मैं वचन देता हूं। शाबाश मेरे भैया, अब खाना खा लो। शिवचरण आज मेरा सफेद सूट और शिवचरण मेरा बैग। आज पान नहीं देना? इस सूट पे तो कोई पागल भी पान नहीं खाता। इस ड्रेस में खाने के बजाय थूकने में ज्यादा मजा आता है। मतलब? आपका शुक्रिया। मेहरबानी। हाँ आज आपको जहाँ जहाँ जाना है वहाँ का नाम और वक्त मैंने इसमें लिख लिया है। घर पर तो कब्जा कर चुकी हो, ऑफिस पर भी कब्जा जमाना चाहती हो? आपके व्यापारी दोस्त मुझे आपकी पत्नी समझते हैं ना, इसलिए उन्होंने आपके खास खास प्रोग्राम मुझे टेलीफोन पे बता दिए और मैंने नोट कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे 1000 रुपए और चाहिए आपकी तिजोरी से। मैंने 1000 रुपए आपकी जेब में रख दिए हैं,
और 500 रुपए पतलून की जेब में अलग रखे हैं। मुझे और 500 नहीं चाहिए। रहने दीजिए, शायद काम आ जाए। थैंक यू। कहिए सेठ जी, कल मैं ना ही ना कहता रहा, अगर सौदे के लिए हाँ कही होती तो आज हमें 2 लाख का मुनाफा होता। अरे भैया, तुम्हें तो 2 लाख का मुनाफा हुआ है, यही कहने के लिए तुमने फोन किया हाँ? अच्छा तो मैं आई मीन मेरा मतलब, अरे भाई कल शाम मैंने घर पे फोन किया था, भाभी ने कहा कि तुम सौदे की हाँ कहकर गए हो, कमाल कर दिया भाई इन वक्त पर हाँ कहकर। तुम कहो तो और सौदा तय कर लो। जी हाँ जरूर जरूर हाँ। तो वो मेरे बिजनेस में भी दखल देने लगी? भाभी ने दखल नहीं दिया, मेरे कहने पे भाभी ने आ गई थी, आपका कहीं पता नहीं था और सौदा हाथ से जा रहा था। अगर नुकसान हुआ होता तो? भाभी ने ये भी पूछ लिया था और मैंने कह दिया था जिम्मा मेरा। तुमने कुछ भी कहा हो, मेरी और से हाँ कहने वाली वो होती कौन? भाभी ने सिर्फ हाँ नहीं कही, ना भी कही, नतमस्तक वाले सौदे। यानी सारे सौदे तुम्हारी भाभी करेंगी अब से? ओहो तो भैया उसका हुआ क्या, आपने नतमस्तक को हाँ कहा और मैंने भाभी को ना कहने पर मजबूर किया, सौदा नहीं हुआ तो अच्छा हुआ। आपके 2 लाख रुपए बचे। बेच डालो। मैं ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज 4 लाख का मुनाफा किया, कल तुम लोग 10 लाख का नुकसान भी कर सकते। भाई साहब, इस ऑफिस का आधा मालिक मैं भी हूँ, समझे? अरे बूढ़ी माँ तुम आ गई, मैं अभी आता हूँ। जी मैंने कहा तशरीफ लाइए। कहिए मोहन साहब, आपकी भाभी कैसी? जी दिन दुगनी रात चौगुनी होती जा रही है। भाभी बहुत चली लगती है। वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं, माँ भी और बहन भी, जी भर कर डांटती है, पेट भर के खाना खिलाती है और बदले में कुछ नहीं जाती। पूर्णिमा चलो। बाय बाय मिस्टर मोहन। कल तुमने सौदा कैंसिल किया और पिताजी को बताया तब नहीं, उन्होंने तुम्हारे साथ साथ सौदा किया और 3 लाख का नुकसान उठाया। I'm really sorry. पिताजी कह रहे थे मनोहर मुझसे ज्यादा समझदार है, एन वक्त पर सौदा कैंसिल करके कमाल कर दिखाया। सरकार दीजिए गरीब सरकार। ये लो 1000 रुपए। 1500 की गरीब सरकार, आप ही ने तो पसंद की थी। अच्छा और 500 रुपए पतलून की जेब में अलग रखे हैं। हाँ ये लो 500 और। थैंक यू। चलो पूर्णिमा। हेलो मोहन भैया, तुम्हारे भैया ने कुछ कहा? बस ये समझ लो कि आग उगलते हैं और अंगारे निगलते हैं। नफा हुआ या नुकसान? बाबूजी कल माँ से ठीक ही कह रहे थे, जहाँ बहू का हाथ होगा वहाँ पैसा ही पैसा होगा। ओ भाभी, पिताजी के बारे में क्या सोचा? सोचना क्या, आज ही शाम को तैयार होना। अरे मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है, मगर भाभी कपड़े सोच समझ के पहनना। अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मोहन भैया। गुड इवनिंग भाभी, आप यानी कि तुम आप तो बिल्कुल बदल गई भाभी, कोई खतरा भी नहीं है ना? भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने ऐसी चाल चली है कि यहाँ के सब सेठ लोग आपको माधोपुर की महारानी समझेंगे। है ना भैया? 3 चौवे। मगन से वो तुम्हारे माधोपुर की महारानी कब आएगी? जी वो तो महाराज से छुटकर आने वाले हैं, बस अभी आइए। समझो सुना है कि बड़ी जबरदस्त खिलाड़ी है। अच्छा यह इस्माइल सेठ हमारे मगनमल का दावा है कि नंदू से सुनील से हारेंगे। अरे एक बार तो हार जाओ नंदू से, ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए कि हमने भी सेठ जी को हारते हुए देखा। अरे काली साहब आ गई। Thank you.
हमारे इस्माइल से और ये हमारे बेमिसाल बेजोड़ खिलाड़ी शेख नंदराम जी। देखिए देखिए, हमने शेख जी की बहुत तारीफ सुनी है, यानी के आपके हाथ की। जमा हुआ हाथ भी साथ नहीं देता जब तक के नसीब साथ न दे। मेरा भी एक ब्लैंक। टू ब्लैंक। हम तो गए भाई, हम भी गए। सर जी मैं भी गया। दो ब्लैंक। आप जी खोल कर नहीं खेल रहे? जी खोल के खेल रहा हूँ रानी जी। भाई बहुत अच्छे, क्या खूब खेली है महारानी साहब। जवाब नहीं, शेर जी तो बुरी तरह गए, बहुत बुरी तरह। अच्छा सेठ जी, एक तरफ हम दोनों और दूसरी तरफ आपके सारे दोस्त। जैसी आपकी मर्जी। आप रंग जमेगा, मगर रानी साहिबा कह देता हूँ हम सब एक तरफ भारी पा जाएंगे। हाँ। पक्का खिलाड़ी कभी पीछे नहीं हटता, क्यों सेठ जी? लो मगन सिंह। बाप रे, 6 लाख हार गए। हाँ नंदू सेठ, ये 12 लाख के हीरे रख देता हूँ। ट्रेल, आप हार गए सेठ जी, आप सब हार गए। आपने तो गजब कर दिया, क्यों सेठ जी? इसमें क्या है? अच्छा तुम्हें इजाजत चाहिए? बस कुछ तो फरमाइए। ये रुपये आपके हैं, ये रुपये घूम फिर के फिर यहीं रह जाते हैं। सेठ जी, आपकी ये दुनिया बहुत छोटी सी है, इस छोटी सी दुनिया के बाहर एक और बड़ी दुनिया है, जहाँ भूखे इंसान अपने बच्चों को मार डालते हैं और औरतें पैसों के लिए अपनी अस्मत बेच डालती हैं। इन बेकार रुपयों को कुछ दिन के लिए वहां भी पहुंचने दीजिए, आप विश्वास रखें इनके बिना भूखों नहीं मरते। नमस्ते। बेटी, आखिर तुमने मेरा ऐप देख ही लिया। मुझे माफ कीजिए बाबूजी। चाहिए तो ये था कि मैं अपनी सूरत भी तुम्हें ना दिखला दूं। पिताजी। नहीं बेटी, उठो, उठो। ये हीरे तुम्हारे, लो ले। आज से मेरे और जुए के दरमियान तुम दोनों बेटियों का खून रहेगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। नाज है मुझे तुम्हारे धीरज और अकलमंदी की, नाज। शांता। हाँ रोमांटिक। हाउ वंडरफुल डार्लिंग, इस वक्त हम एक ही चीज देख रहे हैं, एक ही संगीत सुन रहे हैं और एक ही सांस ले रहे हैं। और इस सांस में तुम एक घर चले हो, तुम अब कह रही हो एक आर्टिस्ट होते हुए इस रोमांटिक वक्त को छोड़ने के लिए। आपको कुछ खतरा नहीं दिखाई देता? प्रेमन था, इसे कुछ दिखाई नहीं देता। चलिए घर चलिए।
नहीं, मुझे भ्रष्टा लग रहा है। दूर से कोई आता दिखाई देता है, एक गले टूकना, दिल धड़क रहा है। ये सब प्रेम के लक्षण है। यहाँ सिर्फ तुम और सिर्फ मैं हूँ। आप मुझे गलत समझे हैं। तुम खुद अपने आप को गलत समझ रही हो। तुम्हें बेवकूफ शोहर मिला है और मुझे अनपढ़ बीवी। तुम अपनी जंगली शोर से उकता गई हो और मैं जानवर बीवी से बेजार हूँ। हम जिंदगी से दूर फेंक दिए गए। आओ आओ शांता, एक साथ मिलकर रंगीन दुनिया देखें। मैं चिल्ला दूंगी। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा इस तरह कि तुम्हारा कोई आवाज न सुन सके। यहाँ न तुम्हारे भैया है न तुम्हारे पिता है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप ऐन मौके पर आ गए। बस मौके पे आना सीख रहा हूँ। आपका शुभ नाम? चंदन सिंह फता सिंह अमरसरिया। चंदन सिंह फता सिंह अमरसरिया। अच्छा तो सरदार जी, चंदन सिंह जी, फता सिंह जी, आप क्या है? मैं मुक्केबाज, लाठीबाज, कुश्तीबाज, आजकल रियाज कुछ कम है वरना संगीतबाज भी हूँ। आप काम क्या करते हैं? सीआईडी में। अच्छा, आपको शायद नीरू भाभी ने भेजा। इसमें क्या शक है? तुम्हारी ये मजाक? आज से हमारी तुम्हारी भागीदारी खत्म हो चुकी। पर आप वजह तो बताइए। उस दिन का सौदा मंजूर करके 2 लाख का मुनाफा कर लिया और पता तक नहीं दिया। भैया सब अपना अपना फायदा देखते हैं। रूई के सौदे में अगर मुझे पहले बता देते तो 5 लाख रुपया मेरा बच जाता। खैर हम खुशी खुशी अलग हो जाएं, आप भी खुश और हम भी खुश। क्या मैं बेवकूफ हूँ जो आप लोगों से अलग होकर सालाना 5 लाख का मुनाफा छोड़ दूँ? अपने बसे हाँ और औरत के बसे ना कहते हैं। और अच्छी तरकीब निकाली, हम भी उसी पर अमल करेंगे। आप यकीन मानिए मुझे। अच्छा, बार... मनोहर अब हम दोस्तों की तरह अलग हो जाएं और तुम्हें और भाभी को मुबारक हो। ये समझा पर सर जी, अब चलिए चलिए दोनों। हाँ हाँ, मुबारक मुबारक। 4 लाख बचाकर सालाना 5 लाख का नुकसान, बाहरी लक्ष्मी देवी। लेकिन कुछ कहेगा भी? माता जी हमें मारपीट कर और धक्के देकर बाहर निकल गए। हाय राम, हमने कहा बहू जी 10 साल से इस घर का नमक खा रहे हैं, हमें मत निकालिए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमने नागरगढ़ कहा कि हम आधी तनख्वाह में काम करेंगे, गरीबों को दाने दाने के लिए मदद नगर मालकर। पर हमारी एक ने सुनी माता जी, ये मजाक आपके होते हुए अब तो हम इन शर्मों में अपना अपराध देते हैं। और बात पर बहन, और बात पर डांस, मेरी माँ का नौकर पे बहन डांस। हमें जबरन हिंदी पढ़ाता है। हाँ। बोलता है हिंदी पढ़ेगा, मैं तो पगार नहीं दूंगी। मेरे पुराने नौकर से ये सरकार की तब तो थोड़ा सा बहन ला देगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहो, इसमें जुर्म मुझे पता भी नहीं। अभी जाके ठीक किए क्या बात है माँ? सुन लिया तूने मनोहर, अब मैं ये जुल्म बेहयाई इस घर में नहीं चलने दूंगी। या तो तू अपनी जोरू को कब्जे में रख या मुझे भैया के यहाँ फौरन भेज दे। माँ हम सब तो पराए हैं, सच्ची बेटी तो मेरी भाभी है। बहन कभी कभी तू भी सच बोल दिया करती है। माँ एक दिन इस घर की इज्जत को ये धूल में मिला के रख देगी। आज इस बात का फैसला हो जाए, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तेरी जोरू। मेरी माँ को बेइज्जत करने वाली तुम होती कौन? धीरे मनोहर, आप बहू की तरफदारी न करें। गरीबों और बेगुनाहों को बदनाम करके तुम इस घर में झगड़ा बढ़ाना चाहती हो और हम सबको धक्के देकर बाहर निकालना चाहती है। या तो माँ से माफी मांगो या निकल जाओ घर से, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बहू इस घर से नहीं निकलेगी। तो मैं ही इस घर से निकल जाऊंगा। जवाब दे, गूंगे हो गए क्या? गुनाहों के सामने गुनाहगार गूंगा हो जाता है माँ। शिवचरण जी, बहू जी, लीजिए बाबूजी, ये फोटो शिवचरण ले आया है। तीनों मिसर जी के गांव में 20-20 हजार के मकान हैं और ये हैं गुरुजी के चेले। मोहन की माँ क्या है? लीजिए ये देखिए, 60 रुपए महीने की नौकरी करने वाले 20-20 हजार रुपए के मकान बनाए बैठे। और ये भी देख लीजिए,
आपके पूजा के चबूतरे पर बैठ के दोनों गांजा पी रहे। मोहन की माँ जब तुम सब कुछ जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? किसी ने कहने का मौका ही नहीं दिया। मैंने दिया था। आप तो इस तरह डांट रहे हैं जैसे कोई पति अपनी पत्नी को प्यार से डांट रहा। मैं तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे सालाना 5 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। मोहन भैया कह रहे थे अच्छा हुआ आप उनसे अलग हो गए, वरना दोस्ती के बहाने वो सब आपको लूट रहे थे। शट अप, यानी तुम मोहन की सुनोगी मेरी नहीं। मैंने कब इनकार किया? मैं तो चुप रहो। इस घर में तुम आखिर क्या करना चाहती हो? बाबूजी पर कब्जा किया, मोहन को अपने हाथ में लिया। बिचारी माँ पागल हो जाएगी, बहन भाग जाएगी और मैं। इतना गुस्सा आ गया है? गुस्सा नफरत तो हो नफरत। तुम्हारे हंसने से मुझे नफरत है, तुम्हारे बोलने से मुझे नफरत है। मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता, तुम्हारी आवाज सुनना नहीं चाहता, तुम्हारी परछाई को अपने घर की किसी चीज पर पड़ने देना नहीं चाहता। तुम जितनी जल्दी जितनी आसानी से तलाक लेकर मुझे इस घर से छोड़कर चली जाओ बड़ी मेहरबानी होगी। पूर्णिमा देवी का फोन आया था, आपको बुलाया है, वो रहा सूट। डूबने की सोच रहे हो? हाँ, मेरे दिल की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। मैं डूबने के लिए आ रहा हूँ मगर अभी नहीं, रात को ठीक 12 बजे। अगर डूब कर मर नहीं गए तो 7 साल की कैद होगी खुदकशी के जुर्म में। अरे भाई वाह, अगर मरे नहीं तो कैद, ये कैसे हो सकता है? आप डूब नहीं सकते नंदोई जी। क्या कहा? मैं डूब नहीं सकता? डूबूंगा, जरूर डूबूंगा। ये कुछ ओ भाभी साहब, बुजदिल लड़ाई के मैदान में से भाग जाते हैं, जो मोहब्बत करता है उसकी जीत होकर ही रहती है। भाभी साहब मेरे दर्द कोई दवा नहीं। जो दर्द है वही दवा है, यही तो खूबी है सच्ची मोहब्बत की। जो दर्द है वही दवा है। भाभी साहब आपको दवा मिली? हाँ। बड़े जोर से हाँ कह रही हो। हाँ हाँ, और जो मेरा नुस्खा वही तुम्हारा? जो आपका नुस्खा है वही मेरा? तो फिर बताइए ना भाभी साहब, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकती भाभी साहब। आप देवी हैं भाभी साहब, आप मेरी गुरु हैं। मैं वो काम करके बताऊंगा कि आपकी ननद मेरे पांव में गिरकर गिरगिराएगी, नाक रगड़ेगी, मगर मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। भाभी साहब और तो कोई खतरा नहीं है ना? मर वो आंखें खोलकर चलना। अच्छा मैं चलूं? आंखें खोल कर चलो, जरूर चलूंगा। जियो भाभी साहब, दवा सिर है, अभी करना चाहिए। बाबूलाल जी जी जी, तुम बिल्कुल मत घबरा। घबराता तो नहीं हूँ, हम तुमसे बराबर मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? मगर वो एक्टिंग वाला मोहब्बत, झूठ मूठ का, समझी ना, झूठ मूठ का। समझ गया, हम तुमको बिल्कुल विलायती मोहब्बत सिखा देगा। विलायती मोहब्बत? ये कौन सी बला है? चीखूंगा चीखूंगा, मगर दूर से दूर से। हाँ लेकिन उससे पता न चले। वो एमएचए नाटक वाला हमारा पक्का दोस्त है। अच्छा पक्का दोस्त है? हमारा सब बात जख मार के करता। मैम साहब तुम पैसे का कोई ख्याल नहीं करना, कोई ख्याल नहीं करना पैसे का। हम उसका बहुत ख्याल करते हैं। तुम बहुत ख्याल, तुम कितना अच्छा मैम, हम तुमको बहुत जल्दी मोहब्बत सिखा। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। जरा दूर, हाँ अब हम सीन समझाते हैं। सीन वो ये कि वो जब आए ना तो तुम मेरी तरफ भाग के आना और 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 हाँ और हंस के बात करना, हंस के और गला पकड़ के। मैम साहब मैम साहब, ये हद तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, बल्कि बल्कि इसकी जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत नहीं। सच कहता हूँ मैं, तो बहुत जरूरत होता है। नहीं नहीं मैम साहब, यहाँ नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं। मैम साहब 2-4 रुपए और ले लो, मगर कोई नई तरकीब दिखा लो। हम तुम्हारा औरत के सामने एक्टिंग करेगा, गाएगा गाएगा, नाचेगा नाचेगा, सब बंदोबस्त कर देगा। ये यू स्वीट स्वीट इडियट। Thank you.
तुम मेरे भोले सजन, दिल है मेरा मगन तेरे प्यार में, रखते लगन मेरे भोले सजन, दिल है मेरा मगन तेरे प्यार में। साथ में हम घूमे गगन में, हम घूमे गगन में, लगते लगन मेरे भोले सजन, दिल मेरा मगन, दिल मेरा मगन तेरे प्यार में। रात रंगीनी रुत है सुहानी, रात रंगीनी रुत है सुहानी, गुनगुनाई जवानी, गुनगुनाई जवानी, खिल रहा है धान थोड़ा तारा, नाचते हैं इस बहार में, लगे तुमसे लगन मेरे भोले सजन, दिल मेरा मगन तेरे प्यार में। खबरदार करने आई हूँ। क्यों? जब एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है तो बात खतरनाक पहलू ले लेती है। साफ साफ कह दीजिए। मैं अपने पति को चाहती हूँ और शायद आप भी। शायद मनोहर मुझे बहुत चाहते हैं और आपको माफ कीजिए, कह दूँ? मैं ही कह देती हूँ, वो मुझसे नफरत करते हैं। तो फिर पूर्णिमा जी, मोहब्बत को नफरत में बदलने में जितनी देर लगती है उसे कम वक्त में नफरत मोहब्बत में बदल जाती है। किस ताकत पर इतना नाज है? मिस पूर्णिमा, मैं मुसीबत के सताई हुई चुपचाप रो रो कर जान दे देने वाली अबला नहीं हूँ, बल्कि अपने प्रेम और सुख के लिए आखिर तक जूझने वाली पत्नी हूँ। इस बात का नाज है मुझे। खबरदार रहिएगा, एक दिन मैं अपने पति को यहाँ से ले जाऊंगी। लड़ने का सही मजा जब ही आता है जबकि सामने वाला भी महसूस लड़ाती है। आज से हम लड़ लेंगे। मंजूर। नमस्ते। नमस्ते। देवी जी, देवी जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अगर एक आर्टिस्ट दूसरा आर्टिस्ट से मुंह मोड़ लेगा सारी दुनिया से नफरत करने लगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कला को चाहती हूँ, कलाकार को नहीं। ये फिक्र मैं दिन रात याद करता रहूँ, अब माफ कर दीजिए। गुस्ताख, तुमने क्या कहा? आके बाजार मोहब्बत की जरा सैर करो, देखो लोग क्या कहते हैं, क्या देते हैं, क्या लेते हैं। मगर हमारा दिल और तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिल मेरे दिल की तरह हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, वो पत्थर हो नहीं सकता। तुम हो कौन? दिलदार हूँ तेरे दिल का, परवाना हूँ तेरे प्यार का और दीवाना हूँ तेरी आंखों का। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या हो क्या हो? मगर डायलॉग गलत बोल गए। मुंशी जी मोहब्बत के सीन में गलत डायलॉग ही सही मजा देते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या हो क्या हो, आपने तो बता देते हैं, क्या हो क्या हो, आपने तो बता दिया।
हमारे एमेच्योर क्लब में हमारे साथ नाटक खेलेंगे? हाँ खेलेंगे, न शक्ल न सूरत न रंग न ढंग। मगर ये आए कैसे यहाँ? अजी हम तो मानते हैं कि पैसे वाले ही इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। अजी हाँ तो मुबारक हो बेटा, आप एक बहुत अच्छे कलाकार को हमारे क्लब में ले आई, हमारी बड़ी खुशकिस्मती। मुबारक हो, मुबारक हो, मैं खुशी से करूँगा। अच्छा तो ये मैडम के साथ आए हैं? चलो ये लोग देखने के काबिल हैं। मुझे देखिए बगैर जबान से कि तुम मुझे कितना चाहते। समंदर के गहराइयों की था किसी ने पाई है उससे भी ज्यादा। अगर कोई मुझसे तुम छीन ले तो? किस पागल ने ये बातें तुम्हारे दिमाग भर दी? वो पागल नहीं, एक जबरदस्त औरत है। ओ? क्यों, क्या बात है? अनाउंस करना है, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों हमारे छोटे से क्लब में हमारे माता जी के साथ जब कोई भी मैडम नाचने के लिए तैयार नहीं है तब मिस मनोरमा जो अभी अभी विलायत से आई है इसका जवाब देंगे। मिस मनोरमा। Thank you.
शिवचरण, शिवचरण मेरा स्लीपर। चिल्लाइए नहीं, रात का समय है। तो क्या हुआ? पति पत्नी का प्रेम सबको मालूम हो जाए। इसमें डरने की क्या बात है? सबकी हमदर्दी मेरी तरफ बढ़ जाएगी। रंग बदलना तो कोई तुमसे सीखे। खाने और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। मैं उपदेश सुनना नहीं चाहता। आई एम सॉरी। अंग्रेजी तो अनोखियता से बोलती हो। वाह, साड़ियाँ अप टू डेट पहनना जानती हो। बहुत अच्छे, डांस गजब का करती हो, ब्यूटीफुल। अरे अरे, आज तो मेरी तारीफ करने लगी। आई एम सॉरी। शट अप। क्लब में जाने की क्या जरूरत थी? दो प्रेमियों को देखना कोई पाप तो नहीं है? पर तुम्हारे वहां जाने की वजह गई भी तो नाचने का सबक, नाची भी तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रहने दो गिलास, क्या मैं हवा से बातें कर रहा हूँ? नहीं, मुझसे कह रहे हैं। तब यूँ हंसने का मतलब? आप तो मुझे इस तरह डांट रहे हैं जैसे कोई पति अपनी पत्नी को पराए मत के साथ हंसते देखकर मारे रश के गुस्से से डांट रहा हो। आपको रश हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इतना गुस्सा करने की क्या वजह? ये ना भूलिए कि कमरे के बाहर आपने मेरी पत्नी की एक्टिंग करने का वचन दिया था। ओह, तो मैं तुमसे फिर आप हो गई। आप पति होकर एक पराई औरत के साथ नाच रहे थे और मैं पत्नी बनकर अपने भाई के साथ वहां गई थी। वह शैतान मेरा भाई है। मैं समझ नहीं पाती कि आप मुझ पर इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। आप और आपकी मोहब्बत के दरमियान तो मैं कोई दखल नहीं देती। तुम दखल दे ही नहीं सकती। मैं नहीं देने दूंगा, बल्कि हम नहीं देने देंगे। फिर बेचैनी कैसी? ये गुस्सा कैसा? ठीक है, मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। दो महीने तो बात ही बात में बैठ गए, कुछ दिन और है, देखते देखते वो भी गुजर जाएंगे। और हमारा ये नाटक खत्म हो जाएगा। बहुत बेहतर मिस मनोरमा, अगर आपको एतराज न हो तो आप जा सकती हैं, मुझे नींद आ रही है। दूध पी लीजिए, ठंडा हो रहा है। तुम वही ठहरो। मैम साहब, मेरी बीवी अंधी जंगली है, जाहिल है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैम साहब, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे तलाक करके तुमसे शादी करूंगा मैम साहब, तुमसे शादी करूंगा। ओह माय स्वीट स्वीट एलियन, इसमें मेरा रोल क्या है? शुरू के ड्राफ्ट में वे आपको पीटते हैं, आखिर के ड्राफ्ट में आप उन्हें पीटती हैं। खैर, मैं से मार डालता हूँ। जी नहीं, वे आपको मार डालते हैं और फिर मैं इनकी खबर लेती हूँ। देखो मैम साहब, मैं कह देता हूँ, मैं देखो मुझसे मोहब्बत न करो, मैं बड़ा जालिम हूँ, मैं शैतान हूँ। फिर भी नहीं मानती। बहुत पसंद करता है। अरे मगर हम जो पसंद नहीं करता। बाबू कौन है? ओ तुम पिताजी, पिताजी बाबू खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया पिताजी? हमारे वकील साहब कह रहे थे कि आज वो नीरू और मनोहर से तलाक के बारे में उनसे बात करेंगे। तू भी अपनी बहू से तलाक ले ले। मैं भी तलाक? ये आप मेरे बाप कह रहे थे? ये मैं किसके मुंह से सुन रहा हूँ, किसके कानों से सुन रहा हूँ? पिताजी, पिताजी आप तो हमारे जमाने से भी कुछ आगे बढ़ गए। बेटा जी, हम व्यापारी बच्चे हैं। वो तो है, जमाने से आगे रहकर ही अपना व्यापार चला सकते हैं। बहुत अच्छा, मैंने तेरे लिए एक दूसरी लड़की पसंद कर ली है। ये जुल्म न कीजिए पिताजी, मैं शांता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर मनोहर दूसरी शादी कर सकता है तो तू भी कर सकता है, अगर वो तलाक ले सकता है तो तू भी ले सकता है। सारी बात कर दे। मनोहर तलाक लेंगे? कसम हो जाएगा पिताजी, शादी कसम हो जाएगा, आकाश टूट पड़ेगा, धरती फट जाएगी। तुझे शांता से तलाक लेना ही होगा, बस। पिताजी, पिताजी सुनिए तो, पिताजी। यस डार्लिंग, शांता से तलाक ले लो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो पागल है, बेवकूफ है, उसे तलाक ले लो। आप और मेरी बंगला, या भी मेरे पिताजी का बंगला है। मैं मानती हूँ, देखिए। मैं अपने कमरे में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये भी तो आपका कमरा है। इस कमरे में मेरा दम घुटता है। मुझे खड़े रहने की आदत है। सर में तेल मंत्र, प्लीज प्लीज। बेकार,
स्वीट स्वीट बिग बुक डार्लिंग, हम तुम्हारे लिए अपना जान देगा मगर वो तुम्हारा बीबी। ओ, ओ, उस बेवकूफ का नाम न लो। अरे तू कोई दूसरा डायलॉग बोल रहा है? बोलने तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है मैडम? तुम कहाँ मरने चले? मैडम अभी आपकी एंट्री में कुछ देर है। मैं अपनी एंट्री अच्छी तरह जानती हूँ मगर तुम्हारा बेबी भी औरत है। मैम साहब औरत बड़ी चीज नहीं मोहब्बत बड़ी चीज है। तुम्हारा बेबी आंखें होते हुए भी अंधी है। मानता हूँ। जबान होते हुए भी गूंगी है। ये जरा नहीं मानता। जंगली है। आओ। जाहिल है। बिल्कुल ठीक मैम साहब, तुम सोना हो वो मट्टी है, तुम हीरा हो वो पत्थर है। उल्लू बनाकर खुशामद कर कहाँ गए वो डार्लिंग वाले, कहाँ गए तलाक वाले, कहाँ छुप गए मेरे स्वीट स्वीट पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ। मैं कहता हूँ मत गिराओ, देखो तो सही क्या मजा आ रहा है। नहीं कर रही थी, तुमने तो सचमुच मुझे पीट दिया। अभी तुमने तो बहुत कम पीता है। हाँ, कम पीता है जी। क्या जान से माता ने कभी जाता? ये क्या कर रही हो? अरे मैंने ये क्या करा? मैंने कहा मैडम भाग गई। क्या अच्छा हुआ, अगर उस चेहरा अपनी शक्ल दिखा तो उसकी हड्डी पतली कर दूंगी मैं। क्या खड़ कर क्या देखो, चलो बोलो। आओ बहुत अच्छा, निकल आओ फौरन। मगर मैडम का तो मैडम आप कभी छोड़ा था मुझे कभी ना बोलो। अब किसी के साथ मोहब्बत के नारे लगाओ ना बोलो। अगर मेरे दिमाग किसी और की तरह नजर उठा के भी देखा तो वाहरे भाभी वाह, तुमने दर्द भी दिया, दवा भी दी, इज्जत भी दी और कील भी। क्या हुआ जैसा? क्या बताऊं, हो गया फिर दोनों का गुलाम। हेलो सेठ जी। ओ, वो कागजात, अब वो आपके कागजात, अब वो इंदौर मिल सारे कागजात कहाँ? आप ही की बात है बाबू जी। मेरे पास मैंने आपके कुछ जरूरी कागजात बैग में रख दिए हैं। हाँ 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 सेठ जी, अभी भेजता हूँ। ये कागजात फौरन ले जाओ। अच्छा हुआ बाबू जी कागजात ले आए, वरना सौदा हंसी चला जाता। क्या सोच रहे हो? सेठ साहब सोच रहे होंगे कि ये औरत हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ी है। पड़ी हूँ तो अपने पति के पीछे पड़ी हूँ, कोई गुनाह थोड़ी ही कर रही हूँ। क्या पूर्णिमा से शादी करके आप सुखी होंगे? क्या तुम्हें शक है? अच्छी राम राम कहो, आपको होगा शक? बिल्कुल नहीं। वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है? हाँ। क्या वो आपको बहुत चाहती है, मुझसे भी ज्यादा? हाँ हाँ हाँ। अजी सेठ जी इतने नाराज क्यों होते हैं, जरा हंस के बात कीजिए। तुम्हारी सूरत मुझे गुस्सा दिलाती है, तुम्हारी आवाज मुझे गुस्सा दिलाती है। मैं कहते हैं तुमसे परेशान हुए जाते हैं, अजी यूं नहीं कहते हैं कि इंसान हुए जाते हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बस चिल्लाना चाहते हो, मर्दों की यही फितरत है। जी चाहता है तुम्हारा गला घोट दूं। हर औरत यही चाहती है कि वो सुहागन ही मर जाए। ओह तुमसे क्या कहा जाए। बस थक गए, बहस नहीं कर सकते, गला नहीं घोट सकते, प्यार नहीं कर सकते। अच्छा जी हमसे नफरत ही सही, हम इसी में खुश हैं। तुम किस किस्म की औरत हो?
हमें हिंदुस्तानी औरत कहते हैं, जो प्यार करते करते मर जाना जानती है। अच्छा, मुबारक हो आपको अपनी मोहब्बत या प्यार या चाह या जो कुछ आप पूर्णिमा के लिए कहते हैं। हाय मोहब्बत, हाय नफरत। फरमाइए। अब हमारा जंग खत्म होने को है। दो दिन बाकी। दो दिन नहीं, पूरे पांच दिन। अनजान मेरी चीज। अंधविश्वास करना बेकार। दुख के घोर अंधकार में अंधविश्वास ही पूछते हुए बचा लेता है। मनोहर मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये वो कहते हैं आप, क्या कोई फर्क पड़ता है जमीन आसमान का? हार जाने के बाद क्या करेंगे? मैं हारना जानती ही नहीं, बड़ी सीखती हूँ मैं। अच्छा ये देखिए, हमारे कुल की सुहाग माला। देखिए सुहाग माला। जब आप जानती हैं कि जीत आप ही की है तो फिर क्यों दे रही हैं? ये देखना चाहती हूँ कि आप इसे कब तक अपने पास रख सकती हैं। नीरू देवी, हम दोनों दुश्मन हैं या दोस्त? दोनों। कैसे? हम औरत हैं, हमारे लिए कोई कम नामों की नहीं। नमस्ते। नमस्ते। ये सब तुम्हारे नसीब से। माय स्वीट स्वीट इडियट। आज ही शाम को जब से गुरुदेव स्थान से चले गए हैं सारी आफत आ गई है। क्या टेलीफोन है? कह दो कि भैया एक घंटे के बाद टेलीफोन करेंगे। बड़े बाबू आधे घंटे बाद फोन करेंगे। क्या टेलीफोन है? मगन का। कह दो कि भैया नहीं है। बड़े बाबू बाहर गए हुए। किसका टेलीफोन है? सेठ जगत नारायण करमचंद इस्माइल के क्या टेलीफोन है? नहीं सेठ जी, सेठ जी। पिताजी, पिताजी। मोहन कहाँ है? भैया रुपयों का हिसाब करने बाहर गए। अच्छा तो सुन, सब मांगने वाले से कह दे कि आज शाम को उनका पैसा घर पर मिल जाएगा। पिताजी हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। ये हमारी इज्जत का सवाल है, कैसे भी हो आज शाम को सबका पैसा दे देंगे। ही होगा मेरे पास। पिताजी 30 लाख दे दीजिए, ये उनकी इज्जत का सवाल है। पर ये तेरी जिंदगी का सवाल है, रुपए उसे नहीं मिलेंगे। आसमान गिर पड़ेगा मनोहर। आज तक किसी पर आसमान नहीं गिरा बेटी। पिताजी जो आदमी 30 लाख गवा सकता है वो मेरे 80 लाख भी खो सकता है। लेकिन बहुत नहीं कमा भी कर सकता है। मैं जिंदगी भर जुआरी रहा हूँ, मेरा तजुर्बा कहता है कि एक बार रूठी हुई लक्ष्मी उसी के पास उसी ढंग से फिर वापस नहीं आती। मैं पागल हूँ क्या?
हर पागलपन की दवा इस जमाने में पैसे से आसान हो गई। बेटी, दुनिया में सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता, रोटी भी जरूरी है और पैसे भी। पिताजी, उनके दिल पर क्या गुजरी? जो आदमी अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ सकता है उसके पास दिल कहाँ? मैं लगातार यही सोच रहा हूँ। पर मेरा भी तो दिल है। दिमाग से काम लो बेटी, दिल से नहीं। दिल हमेशा धोखा देता है। मैं अपनी बेटी को मोहब्बत के नाम पर भिखारन बनाना नहीं चाहता। तो मोहब्बत कुछ भी नहीं है, एक जोश है, एक धुन जो यकायक दिल में पैदा होती है और कुछ कोशिशों के बाद बैठ भी जाती है। भूल जाओ उस जुआरी को। यानी? जुआरियों का कोई भरोसा नहीं। मैं भी कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। मैं पागल हो जाऊंगी। घर से पूजा पाठ गया, साधु संत गए, तो फिर तबाही न होगी तो क्या होगा? एक की चरण रस से घर में लक्ष्मी आती है और दूसरी की चरण रस से चली जाती है। माँ, ये तुम्हारी जाति है। चुप 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 रहो। आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? आफत के पहाड़ टूट पड़े हैं और आपको कुछ नहीं होता। अजय, आपको कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? बड़ा आनंद होता है मोहन की माँ, बड़ा आनंद होता है। बाबूजी, बाबूजी, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। जो कुछ कह रहा हूँ समझ बूझ के कह रहा हूँ। अरे मेरे तरफ से देखिए, मेरे तरफ से देखिए, आपकी तबीयत तो अच्छी है। ओ फर्स्ट क्लास। अशुचरण, चाय बनाओ। हाय राम। मोहन की माँ, तुम्हारे बच्चों ने जिंदगी के साथ मजा लेना तो सीखा है, अब उनको जिंदगी के साथ निभाना भी सीख लेने दो। आज मेरे भगवान ने मेरी सुन ली, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आइए 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 फिर साहब, आइए आइए आइए, चीफ रखिए, बधाइए, आइए आइए। जय राम जी, जय राम जी, नमस्ते। कई श्रीवास्तव जी, सब आनंद। ठीक है जी। अरे दवाई के बाद में आदमी इतना खुश मिजाज रह सकता है? हमारे दवाई? किसकी दवाई, कैसी दवाई? वाह सेठ जी, बहुत खूब, कान पकड़ते हैं हुजूर। माफ कीजिएगा, मुझे मेहरबानी, ये दया नहीं चाहिए, ये तो व्यापार है। कल तक मैं जीता था, आज आप जीत गए, कल फिर मैं जीतूंगा, कोई बात नहीं है उसमें। साथ देते हैं आपकी हिम्मत को हुजूर। चॉइस लाए थे? अजी, वो मिर्जा का बच्चा उम्मीद और उसका दोस्त शामलाल सब वाले मेरे से इनकार कर गए, बोलते क्यों नहीं न सुनते? वो कायर है जो पैसा लेने के वास्ते तैयार हो जाए और देते वक्त मूंछ रहा है। मैं उसे व्यापारी नहीं गुंडा समझता हूँ जो अपना दिया हुआ कॉल पूरा न करे। बाबूजी, हेलो मनोहर, क्या बात? कमान जनाब, 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 हाँ चलो। क्या भैया लगाए थे? बाबू जी, आप लोग घबराए, आपकी एक एक पाई अदा कर दी जाएगी। बाबू जी, क्या बात है? मकान छोड़कर कुछ 10 लाख होंगे, 20 लाख और चाहिए। 20 लाख? हाँ बाबू जी, 20 लाख। बीस लाख रुपया, तिजोरी में सिर्फ 7 लाख। मुझे घमंड था कि मेरा वचन खाली नहीं जाता, मगर जुआरी जिंदगी भर फतह करता रहे, आखिर में मुंह के बल भी कहीं। बेटा, आज तक इस घर से मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटा और आज भी नहीं लौटेगा। बेटा, माफ कीजिए पिताजी, जब घर की इज्जत का सवाल आ पड़ा है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बोले जा मेरी लक्ष्मी बेटी। पिताजी, 7 लाख रुपया इस तिजोरी में है। अभी बाबूलाल जी मुझे 1 लाख रुपए दे गए हैं और ये हैं 12 लाख के हीरे। बेटा, ये तो मैंने तुमको दिए थे। हाँ पिताजी, और इस घर की इज्जत भी आपने इन्हीं कमजोर हाथों को सौंपी थी। लेकिन पिताजी, ये चूहे की कमाई है, पसीने की नहीं। निकाल दीजिए इसे घर के बाहर, उसके बाद ही इस घर में बरकत आएगी। वाह वाह, शाबाश बेटी, शाबाश। जीती रहो बेटी, जीती रहो माता जी, जीती रहो। यहाँ हम सब हार के बैठे, तू ही आगे निकल आई।
अच्छा भैया, आ जाओ। नमस्ते नमस्ते। हाँ तो जवानों, अब तुम लोगों ने क्या सोचा है? कर्जा तो गया, अब न रहा पैसा और न रहा काम। बाबूजी, मैंने अपने हाथ से एक नौकरी देखी। हाँ क्या नौकरी? वेरी गुड। मेरे बच्चे नौकरी कर रहे। माताजी लाइए इधर। ये तो क्या कर, भाभी आप क्या कर रही हैं? तुम चुप रहो। लीजिए बहुरानी, ये 5000 रुपए। कसम है तुम्हें छोटे बाबू की, अगर तुमने ना कही। नहीं नहीं शिवचरण, ये मैं नहीं होने दूंगी। नहीं बहुरानी, लाओ शिवचरण, आज मैं इनकार नहीं करूंगी। लीजिए बाबूजी, ये 30,000 के जेवर और 5,000 नगद। दुगले सूट के साथ ये रकम हम वापस ले लेंगे। इन्हें नए सिरे से काम शुरू करने की आज्ञा दीजिए। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश, क्यों ना हो। आखिर मास्टरनी की बेटी हो ना, तुम्हें मैदान में लड़ना भी आता है और जीतना भी आता है। अरे भाई खड़े क्या मुंह देख रहे हो, लो उठाओ, घर की लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही है, फतेह हमारी है, शुरू करो काम मनोहर। लो भैया, लो ना भैया। क्या कर रही है? मेरी माँ ने कहा था कि जब तुम मेरे दामाद से विदाई तो उनके चरण छुकर के जाने अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ तो माफ कर देना। आज तीसरे महीने का आखिरी दिन है, मैं जा रही हूँ। इस वक्त घर में शोर बोलना, इसलिए चुपचाप चले जाना चाहती हूँ। शिव जरा से देखने तक आ रहा है। भगवान आपको सुखी दे। मैं जानती हूं आप मुझे माफ करें। अरे तुम आ गई। मैडम मालती प्रेम कुमार जल्दू बता सब कहा है। मालती? हाँ हाँ अंदर है। अरे हम तो तुम्हें सब लेने स्टेशन आ रहे थे कि तुम आ गई। हमारे दामाद कैसे हैं? बहुत अच्छा। चूड़ी चूड़े, तू तो कहती थी मैं तेरे बगैर मर जाऊं, सुबह सुबह दरवाजे तक लेने भी नहीं आई। जी मोहन, मोहन भैया, जी पिताजी, बाबूजी, आप मैंने आप यहाँ? हाँ माताजी। क्या हुआ? कुछ नहीं लो, चाय लो, चाय पी लो, ले लो चाय। भाई हम तो व्यापारी आदमी ठहरे, तुम्हारी माता जी ने कहा कि हमारी लक्ष्मी जहाँ जाएगी वहीं जाएंगे, तो यही हमको यहाँ ले आएंगे। मैं नहीं, आप झूठ मत बोलो माँ। मैं झूठ बोलूँ? हाँ हाँ, आप ही तो हमें घसीट कर लाई। आप बड़ी बेरहम से मुरुवत से सर्फ है भाभी, तीन तीन मोटरों का कचूमर किया तब कहीं जाकर आपकी ट्रेन से पहले पहुंचे यहाँ। और सब यही का किया जरा है। आप समझ गई? माताजी माताजी।
शिवचरण, 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 माता जी, माता जी, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं बाबूजी, आपके लिए चाय बना रही थी, भूल से नमक गिर गया, फिर दूसरे बना देते हैं। बाबूजी कहाँ हैं? माँ शांता मोहन सब कहाँ चले गए? कुछ नहीं, कहीं गए, कहाँ गए हैं? तो रोती क्यों है? अभी अभी आके दरबान पे आके बाबू जी के लिए चाय बना और चिट्ठी भी देखिए। मना है वहाँ क्यों खड़े हो? चले आप, मेरा इंतजार कर रही है। हाँ मनोहर, कल मैं अमेरिका जा रही हूँ। अकेली? हाँ। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो मनोहर, इस मौजूदा हालत में मेरा यहाँ रहना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए खतरनाक है। क्या यही कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? नहीं, आपकी यह अमानत वापस कर। हमारे पुल की सुहाग माना? हाँ, इसे पहनने के लिए जिस प्रेम, जिस बलिदान और जिस भावना की जरूरत, वो मेरे पास नहीं। मनोहर, मैंने तुमसे मोहब्बत की, हाँ मैं तुम्हारे बहुत करीब आई थी पर कभी तुम्हें पा न सकी। नीरू तुमसे बहुत दूर रही फिर भी उसने तुम्हें पाया। उसके प्रेम में त्याग बलिदान है और धीरज है, मेरे प्रेम में आजादी है, पाबंदी है, पैसों का ख्याल है और जलन है। तुम उसी के पास चले जाओ, हम सबके दिल से हमेशा के लिए दोस्त बनकर रह सकते हैं। सोचता हूँ कौन जीता, वो या तुम? सोच रहा हूँ मैं कहाँ हारा, यहाँ या वहाँ? यही सबसे बड़ा राज, लेकिन मोहब्बत में न जीत होती है न हार, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत ही रहती। यही जानने के लिए तो यहाँ आया। जीत गया नीरू, नीरू मुझे, नीरू मुझे माफ कर दो। क्यों मिया चपर कंचू, मैं जोरू से माफी मांगता। चल उठ खड़े रह, उठ बे। मेरा दिल क्या आपसे मिल गया है, मेरा दिल क्या आपसे मिल गया है, कलेजे में कलेजे में क्या फूल सा खिल गया है मेरा दिल। हमारे आने ना ठीक नहीं, चली जवानों की दीवानी को भी तो देख लेने दे। बिजली से चमके नस नस, चमके नस नस में आज नहीं मैं